हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वी मोटर्स। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार के जितने भी कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं उनके कुछ बेसिक नाम होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का बॉक्स है, ये आपका मास्टर सिलेंडर ब्रेक्स आयल बॉक्स है। और इसके जो पीछे है वो आपका काला कलर का, वो है आपका ब्रेक बूस्टर। फिर आ जाते हैं ये आपका पावर स्टीयरिंग फ्यूलिड बॉक्स है, जिस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग सिस्टम रहता है। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये है आपका एयर फिल्टर असेंबली, जिसके अंदर रहता है आपका एयर फिल्टर। और ये जो सिल्वर टाइप का देख रहे हो पाइप, ये आपका कंप्रेसर मोटर एसी का जो सिस्टम कंप्रेसर मोटर रहता है उसका पाइप है। देख सकते हैं वो नीचे की तरफ गए हैं। फिर इसके ऊपर में जो दिया है आपका पाइप, ये वाला ये आपका पावर स्टीयरिंग पाइप है, जो कि देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग मोटर के तरफ गया है। और ये जो सिल्वर कलर का पाइप देख रहे हैं ये आपका एसी का पाइपलाइन है, जो कि रिसीवर ड्रायर की तरफ गया है। फिर देख सकते हैं ये आपका आयल कैप है, जिसमें हम जिसको खोल कर हम इंजन आयल डालते हैं। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि वायर भी आपके इस बार के प्लग तरफ के गए हैं। देख सकते हैं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आपका फोर्थ सिलेंडर का इस बार का प्लग वो वायर है, देख सकते हैं आप। फिर ये आपका इनलेट मैनिफोल्ड है, देख सकते हैं। और ये आपका एक्सीलेटर केबल वायर है, देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं ये आपका फ्यूज बॉक्स है, ये आपका बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल वायर है, देख सकते हैं। ये आपका रेगुलेटर है, जिसमें आप कूलिंग वाटर डालते हैं। और ये आपका होस पाइप है, देख सकते हैं आप, जो कि उसके अंदर रहता है आपका, वो है आपका एल्बो, जिसके अंदर रहता है आपका थर्मोस्टेट वाल्व। और ये नीचे में दिया है आपका फ्यूल इंजेक्टर का, जो रहते हैं इंजेक्टर वो है, और उसके जो कपलर हैं वो दिए हैं पीछे में ही, देख सकते हैं नीचे में दिए हुए हैं फ्यूल इंजेक्टर पाइपलाइन है वो। ये आपका सॉकर है, एग्जॉस्टर है, जो कि सॉकर रहते हैं सस्पेंशन बोलते हैं उसका है। ये आपका वाइपर मोटर है, जब वाइपर मोटर चलाते हैं वो उसका मोटर पंप है, समझो। ये देख सकते हैं आप, ये वाइपर ब्लेड है दोनों, ये जो वाइपर ब्लेड का जो वाटर डालते हैं पानी डालते हैं वो है। और ये आपका है जो कंडेंसर होता है एसी कंडेंसर, वो है सामने में लगा है, देख सकते हैं आप। और जस्ट इसके पीछे आपका रेडिएटर है, ये आपका बोनट हुक लॉक है। और ये आपका बम्पर है, देख सकते हैं जो सामने लगा रहता है उसको बोलते हैं बम्पर। और ये है आपका हेडलाइट, इसके साइड में येलो कलर का जो दी है वो आपका इंडिकेटर लाइट है। फिर आ जाते हैं अंदर में, जो जब भी बोनट खोलने का तरीका ये देख सकते हैं, स्टेयरिंग के नीचे बोनट खोलने का सिंबल दिया है, उसको आप अपने तरफ प्रेस करेंगे तो बोनट खुल जाएगा, सभी गाड़ियों में लगा रहता है। और ये है आपका एसी सिस्टम से रिलेटेड है, जो उसके बटन होते हैं वो है आपका ये एसी करने का। और ये है आपका गियर लीवर है, जो कि आप फर्स्ट और सेकंड लगा सकते हैं। और फिर इसके पीछे रहता है आपका हैंड ब्रेक, जो कि हैंड ब्रेक को आप ऊपर करने पर जो गाड़ी कहीं भी ढलान जगह पर नीचे नहीं जाती वो है। फिर इधर दिए आपका स्टीरियो एफएम बॉक्स सिस्टम से है, वो है आपका। फिर आपका डैशबोर्ड मीटर है, जिसमें देख सकते हैं इस लेफ्ट साइड में दिया है आपका टेम्परेचर का, सेंटर में है आपका आरपीएम का, किलोमीटर का है, देख सकते हैं। और साइड में आपका फ्यूल का जो दिया रहता है वो है। ये आपका साइड इंडिकेटर लाइट का है, ये आपका मिरर है, और ये आपका दरवाज़ा हैंडल है, ये आपका जिसमें पेट्रोल डालते हो पेट्रोल या डीजल उसका सिंबल है। ये आपका पीछे का जो हेडलाइट है वो है, देख सकते हैं। ये आपका सस्पेंशन शॉकर है उसका है, दोनों साइड का मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ये जो कूलेंट का रिजर्वायर डब बॉक्स होता है वो है, ये देख सकते हैं आप, जो बेल्ट है वो है। उसके बाद देख सकते हैं ये है आपका टायराड एंड है, ये देख सकते हैं आप, ये टायराड एंड है। ये आपका
लिंक क्राउड है, और नीचे जो है वो है आरम है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका बेल्ट है, बेल्ट के जरिए जो आपका सारे सिस्टम घूमता है वो उसका है।